Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की समवेत भक्त वृंद की गौर पूर्णिमा महा महोत्सव की श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री श्री गुरु एवं गौरांग की चैतन्य चरितामृत निकाली है जो इसमें 17वां अध्याय है मध्य लीला का, वो आधी लीला निकाल करके रख दिया इधर होगा कल था ना मध्य लीला जिसमें 17वां अध्याय इधर होना चाहिए।
फल था कुछ फल था ओमज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतर पंगर मम मंद मतर्गति मत सर्वस्व पदां भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन् मां मनभिप्सुमन्दम् कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ध्यान से सुनिए और बोर्ड पर देखिए और पीछे से बोलने का प्रयास कीजिए, फिर आगे से बोलना होगा अपने को। सौंदर्यम सौंदर्यम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 चैतन्य चैतामृत मध्य लीला अध्याय 17 श्लोक 210। सौंदर्यम सौंदर्यम ललनाली ललनाली धैर्य दलनम धैर्य दलनम लीला लीला रमा रमा स्तंभिनी स्तंभिनी वीरजम वीरजम कंदुकिताद्री वर्जम अमला अमला पारे पारे परार्धम गुणा शीलम शीलम सर्वजना सर्वजना अनुरंजनम अनुरंजनम अहो अहो ज
यस्य यस्य अयम् अयम् अस्मात् अस्मात् प्रभु प्रभु विश्वम् विश्वम् विश्वजनी विश्वजनी कीर्ति कीर्ति अवतार अवतार कृष्ण कृष्ण जगन्मोहन जगन्मोहन सौन्दर्यं ललनालिधैर्यदलनं लीलारमास्तम्भिनि Thank you.
एक बार ललकार करके पढ़िए। शारीरिक सुंदरता, शारीरिक सुंदरता, ललना आदि, गोपियों के समूह का, धैर्यम, धैर्य, दलनम, दलनम, नष्ट करने की, लीला, 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 रमा लक्ष्मी देवी स्तंभिनी चकित करने वाली वीर्यम शक्ति बल कंदुकित फेंकने के लिए एक छोटी गेंद की भांति बनाकर अद्रिवर्यम महान पर्वत अमला बिना दाग के पारिपरार्थम असीम गुणा गुण शीलम व्यवहार सर्वजन सभी प्रकार के जीव अनुरंजन संतुष्ट करके अहो ओह जस्य जिसका अयम यह अस्मत् प्रभु हमारे प्रभु विश्वम सारा ब्रह्मांड विश्व जनीन प्रत्येक के हितार्थ कीर्ति जिनके महिमा अवतार वे बनाए रखे कृष्ण भगवान कृष्ण जगत मोहन सारे संसार को आकर्षित करने वाले अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद नर तोता गाने लगा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का गुणगान ब्रह्मांड में हर एक के लिए लाभप्रद है। उनका सौंदर्य वृंदावन के गोपियों को मात देने वाला है और उनके धैर्य को दमित करने वाला है। उनके लीलाएं लक्ष्मी देवी को स्तंभित करने वाली तथा उनका शारीरिक बल गोवर्धन पर्वत को गेंद जैसा छोटा खिलौना बना देता है।
उनके निर्मल गुण अनंत हैं और उनका आचरण सबको तुष्ट करने वाला है। भगवान कृष्ण सबके लिए आकर्षक हैं और हमारे प्रभु सारे ब्रह्मांड का पालन करें। तात्पर्य, यह श्लोक गोविंद लीला अमृत 13:29 में पाया जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के लीला को पढ़ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं, ब्रजमंडल की परिक्रमा कर रहे हैं। ब्रज में अनेक वन है, उसमें 12 वन प्रसिद्ध है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 12 वन में 7 वन जमुना जी के इस पार और 5 वन जमुना जी के उस पार। तो चैतन्य महाप्रभु मथुरा से प्रारंभ की है यात्रा और मधुबन, तालबन, कुमुदबन, खदीरबन, ऐसे वे आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग कब वर्णन सुन चुके हैं कि चैतन्य महाप्रभु जिधर जा रहे हैं तो उस क्षेत्र में, उस वन में जो गायों का झुंड है और चैतन्य महाप्रभु को आकर के घेर लेती और उनके अंग को, उनके शरीर को वे चाटने लगती। कल हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ब्रज में केवल गोप गोपियों का ही कृष्ण के प्रति वात्सल्य नहीं है, गाय और बैल का भी कृष्ण के प्रति वात्सल्य। आप भगवान के विषय में सुनते हैं वे 4 साल में ही बछड़ा चराना प्रारंभ कर। हम कोई कोई कह सकता है कि कैसे माँ बाप लड़के को 4 साल में बछड़ा चराने के लिए भेज दिए, लेकिन अब कोई कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसके अनुरूप निर्णय लेना हो। भगवान और 3 साल 4-5 महीने तक गोकुल में रहे, महावन में रहे और उसके बाद वृंदावन में आ गए। वृंदावन में वे बड़े प्रसन्न थे, बहुत ही सुख अनुभव कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी बोले हैं कि वृंदावनम गोवर्धनम जमुना कुलानी च विक्षासित उत्तमा प्रीति राम माधवयो निर्भर। कृष्ण बलराम जब वृंदावन का दर्शन किए और उनको उत्तमा प्रीति की प्राप्ति हुई, इतनी प्रसन्नता दूसरे जगह में प्राप्त नहीं किए थे, बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, अबे खेला करते थे और कृष्ण तो बहुत ही चंचल थे। कृष्ण अभी पैर पर खड़ा होकर के नहीं चलते थे, तभी से बहुत चंचल थे, वे घुटने के बल चलते थे। लेकिन थोड़ा सा अवकाश मिलने पर अबे बहुत जल्दी जल्दी चूल्हे के नजदीक चले जाते। आंगन में है तो प्राय गोपियां उनको गोद में रखती थी, लेकिन अब कभी कभी भूमि पर उसको रखी और थोड़ा सा किसी कार्य में गई और तब तक वे बहुत तेजी से जा करके अब चूल्हा से जलती हुई कोई लकड़ी निकाल करके अपने मुंह में डालने लगते। कभी कभी अब थोड़ा सा फुर्सत पाते ही वे जा करके सब्जी काटने वाले
पहसुल को अपने मुंह में डालने लगते। अब गोपियां तो बहुत परेशान हो जाती थी, यद्यपि कृष्ण के व्यवहार को देख करके उनको बहुत आनंद भी था, लेकिन उनकी चिंता बढ़ जाती। अब आग को सीधे मुंह में डाल रहे हैं, एक छुरी को पांसुल को मुंह में डाल रहे, उनको भय लगता था कि कोई मुंह पट न जाए। अब कोई कुत्ता बैठा है तो उसके मुंह में जाकर के उंगली डाल देते, उसका मुंह खोल करके, वो थोड़ा सा ध्यान गोपियों का इधर उधर जाता था, उतने में ही वहां पहुंच जाते। अब गोपियां तो कभी कभी उनके चंचलता को देख करके कहती थी, यही भगवान, ये इतना दुष्ट है, इतना चंचल है, ऐसा पुत्र तो दुश्मन को मत दीजिए। तो भगवान वृंदावन में आए तो वे यहाँ गाय और बछड़ों से बहुत संबंध रखते हैं। तो कभी कभी बछड़े बैठे हैं तो जाकर के उनका पूछ पकड़ लेते, और बछड़ा पूछ पकड़ने से खड़ा हो जाते थे, और खड़ा होकर के आगे बढ़ रहे हैं और भगवान की पूंछ नहीं छोड़ रहे हैं, वे घसीट रहे हैं बछड़े के पीछे, घसते जा रहे हैं, हाँ, लेकिन पूंछ नहीं छोड़ रहे, रोने लगते थे। गोपियों को देख करके मन कहता है कितना बेवकूफ है, पूंछ छोड़ नहीं रहा है। तो कभी कभी तो एक बछड़े का पूंछ पकड़े है बछड़ा घसीट रहा है, और कभी कभी एक साथ दो बछड़े का पूंछ पकड़ लेते हैं, दो बछड़े दो दिशा में भाग रहे हैं और किसी का पूंछ छोड़ नहीं रहे, अब वो रोने लगते थे। तो गोपियां ये सब लीला देखती थी, तो वहां तक तो कोई भय की बात नहीं, लेकिन कभी कभी कृष्ण किसी सांड के शरीर पर जाकर भी चढ़ जाते, कोई बैल है, बड़े बड़े सिंह है या सांड है, वो बैठा हुआ है, तो धीरे धीरे जाते थे और उसके शरीर पर चढ़ने लगते थे। अब उसके शरीर पर चढ़ने लगे तो सांड को भी बैल को भी बहुत आनंद का अनुभव होता है। अब जो सांड है बैल है वे कैसा आनंद अनुभव कर रहे हैं, अब उसको तो कोई पिता ही समझ सकता है, कोई पिता है और उसके शरीर पर छोटे बच्चे चढ़ते हैं तो उसका कोई उद्वेग नहीं होता है, उससे वह सुख ही अनुभव करता है। तो सांड के शरीर पर चढ़ रहे हैं तो सांड को तो सुख मिल रहा है, तो और शरीर अपना फैला देता है। अब भगवान शरीर पर चढ़े और चढ़ते चढ़ते आगे जाकर कब सिंह पकड़ने लगे। अब इसको देख करके तो ब्रजवासी बहुत भयभीत हो जाते, एक लंबे लंबे सिंह है, नुकुले सिंह है, वो कहीं एक झटका मार दिए तब तो इसकी लीला ही समाप्त हो जाएगी। और वे कितना भी प्रयास करते थे रुकने का, तो जा करके वो गायों के बीच में ही बैठ जाते थे, बैल के बीच में बैठ जाते थे, सांडों पर चढ़ जाते थे। अब इसको देख करके नंद बाबा के मन में विचार आया कि भाई जब ये गो जाति से इतना प्रेम कर रहा है, अब गो जाति के संग के बिना तो रहेगा ही, तो अच्छा होगा कि इसको बड़े बड़े सांगों से अलग रखा जाए, बैल से अलग रखा जाए, क्योंकि उधर ज्यादा खतरा है। तो इसलिए वे एक दिन प्रस्ताव रखे माँ जसोदा से कि जब यह गो जाति के बिना रहेगा ही नहीं, मतलब हमेशा गाय बछड़े सांग इन्हीं के बीच चला जाता है, तो अच्छा है कि इसको बछड़ों के साथ भेज दिया। अब इतना कहे अब माँ जसोदा तो एकदम
हैरान हो गए, कि कैसे आप ये बात बोलती, अरे आपका हृदय है कि पत्थर है, एक लड़का बछड़ा चलाने लायक है। अब नंद बाबा समझाए कि देखो वो बछड़ों के साथ रहेगा तो कम खतरा है, इधर रहने पर तो जा करके सांड का सिंह पकड़ रहा है और वही सिंह उठा करके झटक दिया तो खत्म हो जाएगा ना, और आखिर तो गोप जाति का ही है ना, काम तो वही करना है, तो अभी से प्रारंभ हो जाए तो क्या दिक्कत है। अब नंद बाबा ये सब बात कहे तो माँ यशोदा की बात समझ में आए कि बछड़े के साथ रहना ज्यादा सुरक्षित, तो इसलिए वे बछड़े चराने के लिए भेज दिए। तो माता पिता कठोर हृदय के नहीं है कि 4 साल के बच्चे को बछड़ा चराने के लिए भेज दिए, वो बड़े बड़े सांडों से दूर रखने के लिए बछड़ों के साथ भेज दिए। आप यह कह रहे थे कि ब्रज के जो गाय है, सांड है, बैल है, तो उनके हृदय में भी कृष्ण के प्रति पुत्र भावना वात्सल्य, गायों के झुंड कृष्ण को घेर लेती थी और उनके शरीर को चाटने लगती, और कृष्ण भी चैतन्य महाप्रभु के विषय में कर, चैतन्य महाप्रभु भी उनके अंग का कंडुयन करने लगते थे, उनको सहलाने लगते थे। तो केवल गायों के साथ ही यह स्थिति नहीं है, रास्ते में जो मृग दिखते थे तो वे चैतन्य महाप्रभु के ओर देखने लगते थे और नजदीक आकर के उनके शरीर को चाटने लगते थे। अब वे आकर के चाटने लगे तो चैतन्य महाप्रभु भी उनके गले को पकड़ करके उनका अखबार भरने लगते थे, आलिंगन करने लगते थे, और वृक्ष तो चैतन्य महाप्रभु को झुक करके प्रणाम कर रहे थे और उनको फल फूल अर्पित कर रहे थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं वृक्षों का वैसा ही व्यवहार था जैसे कोई व्यक्ति अपने संबंधी को भेंट अर्पित करता है, कुछ गिफ्ट देता है, तो वैसे ब्रज के वृक्ष चैतन्य महाप्रभु को भेंट अर्पित करते हैं। और जितने भी पक्षी थे तो वे भी चैतन्य महाप्रभु की ओर दृष्टि लगाए हुए, और चैतन्य महाप्रभु जो वृक्षों से चल रहे थे तो बहुत सारे पक्षी थे, और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि हम पक्षियों के मुख से उस कृष्ण का जस सुने। और जो ही चैतन्य महाप्रभु के मन में यह विचार आया तो एक तोता चैतन्य महाप्रभु के बांह पर आकर के बैठ गया, वृक्ष से उड़ करके आया और उनके बांह पर बैठ गया और श्लोक बोलने लगा। तो श्लोक बोल रहा है, सौंदर्यम ललनादि धैर्य दलनम, जस्या सौंदर्यम, जिसका सौंदर्य कृष्ण का सौंदर्य, जो ललनाएं हैं ब्रज की वनिताएं हैं, स्त्रियां हैं, तो उनके धैर्य को दलित करने वाला, स्त्रियों में बाह्य वस्तु के प्रति आकर्षण अधिक होता है, कोई भी अच्छा चीज है, सुंदर दृश्य है तो उसको देखने के लिए वे जल्दी आकृष्ट हो जाती है। अब कृष्ण का रूप इतना सुंदर है, सौंदर्य इतना सुंदर है, ब्रज की गोपियां उसको देखने के लिए ललायित हो जाते हैं, उधर ही दृष्टि डाल देती है और उनका धैर्य समाप्त हो जाता है, कृष्ण का सौंदर्य उनके धैर्य को दलित कर देता है, कुचल देता है। धैर्य का क्या अर्थ है,
देखिए स्त्रियों में आकर्षण है, आकर्षण मतलब आकर्षित होने की प्रवृत्ति है, लेकिन वे अपने कुल परंपरा का ध्यान रखती है और अपने को बहुत विचलित नहीं होने देती, वे रोक लेती है। इसको धैर्य कहा गया। चित्त में आकर्षण आता है लेकिन फिर भी वे अपने को रोक लेती है। लेकिन अब कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है कि कोई भी स्त्री अपने धैर्य को नहीं संभाल पाती। अब कुल परंपरा पतिव्रत ये सब विचार टिक नहीं पाते, अब कृष्ण के प्रति ही वे लुप्त हो जाते। और एक स्त्री की बात नहीं है, ललना आदि जो भी स्त्रियां हैं तो सबके धैर्य को समाप्त कर दे उनका सौंदर्य। सौंदर्य ललनाली धैर्य धैर्य उनका समाप्त हो जाता है, उधर आकृष्ट हो जाती है, अपने कुल परंपरा को भूल जाती है। पर एक दृष्टि से देखा जाए तो यह उचित नहीं है स्त्रियों के, उनको अपने कुल मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और जब गोपियां कृष्ण से प्रार्थना किए कि हमें अपना दास दीजिए, हमको अपने सेवा का अवसर दीजिए, और कृष्ण मानो कह सकते हैं फिर तुम लोग दासी क्यों बनना चाहती, अपने घर में जाओ तो तुम स्वामिनी रहोगी, अपने पति के साथ रहोगी तो स्वामिनी रहोगी, तुम लोग दासी क्यों बनना चाहती। गोपियां उत्तर देती है, विक्षा लकारित मुखम तब कुंडल, आपके मुख का हम लोग दर्शन की, जो घुंघराले बालों से कभी कभी ढक जाता है, जिस मुख में सुंदर सुंदर कुंडल है, और आपके बाहों को देख करके और आपके चौड़ी छाती को देख करके भवे मदास्य हम लोग दासी हो गए। और केवल हमारी यह स्थिति नहीं है, अरे स्त्री जातियों में तो सबसे श्रेष्ठ लक्ष्मी जी मानी जाती है। तो श्रीयत बदाम कुज रजश्चक में तुलस्य, श्री जी की भी यही स्थिति है। यद्यपि भगवान श्री जी को छाती पर स्थान दिया, श्रीयत बदाम कुज रजश्चक में तुलस्य लब्ध्वा वक्षसि पदम किल भृत्य दुष्ट। भगवान ने लक्ष्मी जी को छाती पर स्थान दिया और छाती पर कोई दूसरी स्त्री नहीं, उनका एक अधिकार है, लेकिन उनकी स्थिति है कि श्रीय पदाम्बुज रजत चक्र में तुलस्य, वे अपने छाती पर प्राप्त स्थान का त्याग करके भगवान के चरणों की सेवा करना चाहते, वो चरणों में अपना निवास चाहती। और चरण की क्या स्थिति है कि तुलसी जी को पहले से भगवान वहां स्थान दिए। तो एक तो एक स्त्री पहले से ही वहां है, और जितने भी भक्त हैं तो उनका स्थान भी तो चरण ही है, सारंगा न पदम। कुछ कुछ विभाजन किया गया है तो श्रीयो निवासो जस्यो, श्री जी का निवास जिनका छाती है, और सारंगान पदांगुज, सारंग गायत्री जो कृष्ण के जस का गान करते हैं भक्त लोग, तो उनका स्थान तो चरण में। तो चरण की स्थिति है कि एक स्त्री पहले से वहां, और पुरुषों का तो संघट है, अनेक पुरुष वहां, लेकिन लक्ष्मी जी उसी स्थान का वर्णन कर रहे हैं। अरे भाई कोई स्त्री है तो अपने सौत के साथ रहना नहीं पसंद करती, और पुरुषों के बीच में भी संकोच होता है,
लेकिन लक्ष्मी जी को इतना आकर्षण है कि श्रेयत पजाम्बुज रजस चक्र में तुलस्या लब्ध्वा विपक्षसि पदम् किल भृत्य दुष्टम्। तो कह रहे कि जैसे लक्ष्मी जी सेवा के लिए आकृष्ट है, दासी बनने के लिए आकृष्ट है, तो वैसे हम लोग भी आकृष्ट हैं। ये कौन सी नई बात है? और अब कृष्ण कह सकते हैं कि अरे तुम लोग दूसरे पुरुष की सेवा करना चाहती हो पति को छोड़ करके, तो यह तो बड़ा निंदनीय है। गोपियां कहती हैं कि कुछ भी हो, काष्ट्रंगते कल्पदायत मूर्छते न सम्मोहिता जनता चले त्रिलोक्या। अरे यह निंदनीय हो प्रशंसनीय हो लेकिन हम लोगों की तो स्थिति नहीं है। अरे कौन पूरे त्रिलोकी में कौन ऐसी स्त्री है कि आपके बंसी ध्वनि को सुन दे और त्रैलोक के सौभाग्य मिलम चमेरी चरूप, और आपके इस सुंदर रूप का दर्शन कर दे तो आज पथ से विचलित न हो जाए। अरे आपके इस रूप को देख करके या बंसी की ध्वनि सुन करके और जितने भी प्राणी हैं सब रोमांचित हो जाते हैं, उनके शरीर में पुलक छा जाता है, चाहे वो पशु हो पक्षी हो मनुष्य हो, तो सब उधर आकृष्ट हैं। तो हम लोग भी उसमें आकृष्ट हो गए, तो इसमें नहीं बात क्या? कौन ऐसी स्त्री त्रिलोक क्या केवल पृथ्वी की बात में नहीं कह रही, तीनों जगत में कौन स्त्री है कि आपके रूप का दर्शन कर ले, आपके बंसी का श्रवण कर ले, बंसी ध्वनि का श्रवण कर ले और आज पथ से विचलित ना हो जाए। तब कृष्ण है कि सौंदर्य के विषय में कह रहे हैं कि सौंदर्य लगनादि धैर्य दलनम। अब कृष्ण का ऐसा सौंदर्य है कि स्त्रियां अपने धैर्य को नहीं रोक पाती, धैर्य समाप्त हो जाता है। इसमें स्त्रियों का दोष नहीं है, कृष्ण का सौंदर्य ही ऐसा। कृष्ण जब मथुरा में गए तो वहां उनको कुश्ती करना पड़ा। पहले से आयोजन ये था उनको मारने के उद्देश्य से कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ उनको भिड़ा दिया गया। वे पहलवानों का जो साइज था तो पहाड़ के समान था, बहुत बड़ा बड़ा शरीर था और उनके शरीर तो फौलाद के समान कठोर थे, वज्र के समान कठोर थे। और अब कृष्ण बलराम को मुष्टिक और चारुण के साथ लड़ना पड़ा और इस कुश्ती को देखने के लिए तो बहुत लोग वहां जुटे थे, आयोजन किया गया था, स्त्रियां आई थी, बहुत पुरुष आए थे, सब लोग आए थे, सब देख रहे थे। अब भगवान कुश्ती करने लगे तो उनके मुख पर पसीना आ गया। बलराम जी कुश्ती करने लगे तो उनका गौर वर्ण लाल हो गया। अब इस दृश्य को देख करके स्त्रियां कहने लगी कि यहाँ रहना ठीक नहीं, इस सभा में रहना ठीक नहीं, क्योंकि इस सभा में बहुत भारी अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय है कि यहाँ कुश्ती हो रही है, रेसलिंग है, लेकिन नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। वे कुश्ती का नियम है कि समान लोगों में कुश्ती होता है, वजन का ध्यान रखते हैं, कभी कभी उम्र का भी ध्यान रखते हैं, कई एक चीज का ध्यान रखते हैं कि थोड़ा का अंतर, अब एकदम बराबर संभव नहीं है तो कम से कम अंतर, लेकिन यहाँ से कुछ ध्यान नहीं रखा गया। ये जो पहलवान है तो पहाड़ जैसे बड़े बड़े हैं और उनका शरीर फौलाद जैसे कठोर है और ये कृष्ण बलराम नाप्त यौवन है,
अभी तो युवा अवस्था को भी नहीं प्राप्त हुई। कृष्ण बलराम कृष्ण की आयु 11 साल की और इनको ऐसे बड़े बड़े पहलवानों से भिड़ा दिया गया तो यहाँ अन्याय हो रहा है। ये स्थान रहने लायक नहीं, हम लोग को यहाँ से निकल चलना चाहिए, नहीं तो हम लोगों पर भी पाप लगेगा। और अपने भाग्य को कोसने लगे कि हमारा कितना दुर्भाग्य, हम कितना हतभागी है कि एक तो बहुत दिन के बाद कृष्ण का दर्शन हुआ और वह भी उस समय में। देखो यहाँ कृष्ण की क्या स्थिति है, उनके मुख पर पसीना आ गया, बलराम जी के मुख तांबे के समान लाल हो गया, कितना भी परिश्रम में वे कष्ट के स्थान पर आ गए और कहने के धन्य है वृंदावन। तो वृंदावन है तो भगवान बंसी बजाते हुए चलते, ठूटते हुए चलते, पर मथुरा तो बेकार स्थान, यहाँ उनको कठिन परिस्थिति में जीना। वृंदावन में बहुत आनंद से रहते हैं और गोपियों की प्रशंसा करने लगे। वे कहने लगे कि गोप्यस्तप किम चरण जदमुष्य रूपम लावण्य सार मसमूर्ध मनन्य सिद्धम दृग्भि पिबंत अनुसवाभि नवम दुरापम एकांत धाम जस सत्प्रिय ऐश्वर्य। गोपियां कौन तपस्या की है, उनका भाग्य है कि वे इस रूप का नित्य दर्शन करती, अनुसवन दोनों समय उनको दर्शन मिलता है, सुबह शाम दोनों समय। और उस रूप के विषय में भी कह रही है कि लावण्य सार, यह लावण्य का सार जैसे दूध का सार घी, वैसे लावण्य का सार है यह रूप। लावण्य क्या होता है, ऐसे तो हम लोग लावण्य और सौंदर्य को एक ही अर्थ में लगभग लेते हैं, लेकिन लावण्य का अर्थ समझना चाहिए। संसार में इसको व्यक्त किया जाता है पानी कहकर, कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि रूप तो उसका गोरे रंग का ही है लेकिन चेहरे में पानी नहीं, ऐसा शब्द आप लोग सुने हैं, और काले रंग का है लेकिन पानी उसका अच्छा है। तो जिसको पानी आप कह रहे हैं तो वही लावण्य है। रूप गोस्वामी यही परिभाषा दी है, जो तरलता है वही लावण्य है। लेकिन अब इसको संस्कृत से समझिए, धातु से समझने का प्रयास करेंगे तो अर्थ और क्लियर हो जाए। ये जो लावण्य शब्द बना है, लवण के भाव को लावण्य कहेंगे, लवण लवण मतलब नमक, और यह लुई इस मूल शब्द से बना है और इसका प्रयोग छेदन के अर्थ में होता है, लुई छेदन। वो लवण का गुण है कि किसी चीज को गला देता है। अब देखते हैं ना, वो आम का चमड़ा कितना कठोर है लेकिन लवण में नमक में डाल देते हैं तो गल जाता है, मुलायम हो जाता है। वो नींबू का तो चमड़ा बहुत कठोर है, दांत से काट नहीं सकते, बहुत कठिनाई है, लेकिन अब लवण में डाल देते हैं तो गल जाता है। तो ये लवण इसी अर्थ में है कि वह रूप, वह शोभा, वह सौंदर्य जो चित्त को गला दे, पराभूत कर दे। हम देखते हैं आंख से और असर चित्त पर आ जाता है, एकदम उस पर लट्टू हो जाते, पराभूत हो जाते, चित्त एकदम गल जाता है। तो जो चित्त को गला दे उसी को लावण्य कहते हैं। इसको एक ब्रज के साखी में बहुत अच्छा से व्यक्त किया गया। एक नायिका कह रही है, सखी है, नयन कटार के विक्रम देख विशेष। अपने एक सखी से कह रही है, जैसे नायक के विषय में तो उसके कृष्ण के आंखों के विषय में के वो तो अद्भुत पराक्रम है, आंजत अंगुली ना करते,
उस आंख में अंगुली से अंजन लगाते हैं तो अंगुली तो नहीं कटता लेकिन देखत कटे कलेजे तो उसको देखने से कलेजा कट जाता है। तो लवण्य का अर्थ समझ में आ रहा है ना, जो हृदय को पराभूत करते तो उसको लावण्य कहते हैं। तो मथुरा की स्त्रियां कह रही हैं कि लावण्य सार, यह लावण्य नहीं है, लावण्य का सार है। और असम ऊर्ध अब न इसके बराबर कहीं लावण्य है संसार में, और अधिक होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। और ये लावण्य प्राप्त कैसे हुआ है, तो अनन्य सिद्ध। अब इसको प्राप्त करने के लिए कोई बाहरी प्रयास नहीं करना पड़ता है। इस संसार में तो देखा जाता है कि किसी को अब लावण्य बढ़ाना है तो कोई एक हर्बल का प्रयोग करते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन कृष्ण के लावण्य के विषय में कह रहे हैं कि अनन्य सिद्ध, वह स्वतः सिद्ध है। अब किसी साधन से लावण्य को अर्जित नहीं किया गया है। और कह रहे हैं कि लावण्य सार मसमर्द मनन्य सिद्ध दृढ़ पिबंत अनुसव, अरे गोपियों का भाग्य है कि वे अपने आंखों से इसका पान करती है। तो कृष्ण के सौंदर्य के समान संसार में कहीं दूसरा सौंदर्य नहीं है। यह केवल मथुरा के स्त्रियों की बात भावना नहीं है, उनका निर्णय नहीं है। उद्धव जी विदुर जी से कह रहे हैं कि यह धर्म सुनो वतराज सूय निरीक्षित स्वस्तयन त्रिलोक कार्त्स्ने न चाद्देह गतम विधातुर अर्वाक्षित कौतम नित्य मन्य। यह धर्म सुनो वतराज सूय, महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ चल रहा था, पर राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के लिए कृष्ण खड़े हुए। अब कृष्ण खड़े हुए तो सबकी दृष्टि उधर चली गई, स्वभाव चली गई दृष्टि, तो कह रहे कि निरीक्ष दृक् स्वस्तयन। अब जब उस सभा के लोग राजसूय यज्ञ में इकट्ठे लोग कृष्ण को देखे तो दृक् स्वस्तयन, उनको आंखों को इतनी शीतलता का अनुभव हो रहा था, इतना सुख मिल रहा था कि कार्तने न चाद्य गतम विधातु अर्वाक्षितो मन्यत इत्यलोक। तो सारे लोग देवलोक से भी लोग आए थे और पृथ्वी के लोग तो जुटे हुए थे, अनेक राजा थे, लेकिन कृष्ण का दर्शन किए उनके आंखों को जो सुख मिल रहा था, तो एक स्वर से निर्णय किए कि विधाता के जितनी सृष्टि कौशल है, अब जितना सुंदर रूप रच सकता है तो इसी व्यक्ति को रचने में सब खर्च किया। अब विधाता काहे को रचने जा, लेकिन उनको इतना सुख मिल रहा है कृष्ण को देख करके कि इसके आधार पर वे वो निर्णय देते हैं कि विधाता का सारा कौशल किसी व्यक्ति को बनाने में, किसी व्यक्ति को रचने में खर्च हो गया। और भगवान का सौंदर्य ऐसा है कि किसी के धैर्य का दमन कर दे, उनके सौंदर्य की यह विशेषता इतना सुंदर। इस संसार में हम लोग सौंदर्य देखते हैं कई एक चीज आकर्षक, और किसी के सौंदर्य का तुलना करना होता है तो उससे उपमा देते हैं, लेकिन सौंदर्य को दिखाने वाले जितनी भी उपमाएं हैं तो भगवान के श्री विग्रह को देखिए तो उपमाएं लज्जित हो गए। उपमा हर तन देख ले जाने, जब भगवान को देखिए तो लज्जा में पड़ गई सारी उपमाएं, और उपमाएं इतनी लज्जित हुई कि कोई कोई तो जल में छिप गए और कोई कोई आकाश में चले गए, कोई कोई वन में रहते हैं, कोई कोई बिल में घुस गए। ओ लज्जित हो करके दूर चले गए, लेकिन वहां जा करके चुपचाप नहीं है, भाग गए और वहीं से गाली देने लगे कवियों को। अब कवियों को गाली दे रहे हैं
तो कभी लोग बड़े परेशान है जो हम को क्यों गाली देने वाले, तो अपना प्रतिनिधि भेजे, सूरदास को अपना डेलीगेट बना करके भेजे। अब सूरदास उन उपमाओं से बात किया, भाई कि तुम कवियों को क्यों गाली दे रहे हैं। तो वो लोग कहे कि सूरदास हमको शर्मावो, नाम हमारो ले, कि हम लोगों को शर्मिंदित कर रहे हैं कवि। अब भगवान के अंग का वर्णन करना है तो श्रीपट श्री अंग पट तक दे हम लोगों की तुलना कर देते हैं, तो हम लोग तो लज्जा में पड़ जाते हैं। तो वे लोग हमारी तुलना न करें, हम लोगों का उपमान न दे, हम लोग गाली नहीं देंगे। अब कोई कह देता है कि भगवान का मुख शशि के समान, चंद्रमा के समान, लेकिन चंद्रमा लज्जा में पड़ जाते हैं, तो कोई तुलना ही नहीं है। अरे भाई कि किसी व्यक्ति को कह दिया जाए और पीयूष को कह दिया है तुम तो एकदम विवेकानंद जैसे हो, तो इस बात को स्वीकार थोड़े करेगा, वो संकोच में पड़ जाएगा कि विवेकानंद की क्या प्रतिभा है, कोई तुलना ही नहीं है। तो वैसे जो उपमाएं हैं कमल या चंद्रमा या बाहों के विषय में सर्प का उपमा देते हैं, कमर है के विषय में सिंह का उपमा देते हैं, तो ये सब उपमाएं लज्जा महसूस करते हैं और ऑब्जेक्शन करते हैं। और कृष्ण का ऐसा सौंदर्य है, वो कह रहे हैं, वो तोता बोल रहा है कि सौंदर्य ललनाली धैर्य दलनम और लीला रमा स्तंभिनी, और भगवान की जो लीला है तो लक्ष्मी देवी को भी स्तंभित कर देती है। स्तंभित मतलब तो चकित होकर के खड़ी हो जाती है, वो स्प्रिया करने लगती है। आप लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं और उसमें रास लीला का वर्णन, अब रास लीला में तो भगवान गोपियों के कंधे में अपना हाथ डाल करके नृत्य किए, बहुत ही आत्मीयता प्रकट किए। अब इस लीला को देख करके तो लक्ष्मी जी को भी स्प्रिया होती है कि यह हमको भी सौभाग्य मिलता है। लेकिन आज तक उनको यह सौभाग्य नहीं मिला। जब उद्धव जी ब्रज में गए तो गोपियों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे, वे गोपियों को प्रणाम करने लगे, उनके चरण धूलि की आकांक्षा करने लगे। तो गोपियों के महत्व का वर्णन कर रहे हैं कि नायम श्रियों का उन्नीतान तरते प्रसाद स्वर जोशिता नदी में गंध रुचा कुतुन्या रासुत सवे जस्य रासुत सवे जस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम्य उद्गार ब्रजवल्ली नाम ब्रजवल्लवी नाम। जो ब्रज के स्त्रियों को सौभाग्य मिला तो लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुई। अब फिर स्वर्ग के स्त्रियों के कौन सौभाग्य के विषय क्या कहना, स्वर जोशिता जो स्वर्ग की स्त्री है तो उनको भी असौभाग्य नहीं मिले। स्वर्ग के स्त्रियों के विषय में कह रहे हैं कमल गंध रुचा, स्वर्ग की जो स्त्रियां हैं तो उनकी कांति कमल के समान है और उनके शरीर में कमल का गंध है, उनका शरीर कमल के पुष्प के समान सुकुमार है, ऐसे स्वर्ग की स्त्रियां हैं, लेकिन उनको भी यह सौभाग्य नहीं। अब फिर है, अब दूसरे को क्या कहना, और लक्ष्मी जी भी लालायित हैं कि हमको भी असौभाग्य मिले। भगवान जैसी लीला गोपियों के साथ कर रहे हैं तो हमारे साथ भी वैसे पीड़ा कर, और भगवान के लीला को देख करके लक्ष्मी देवी भी स्तंभित है, तो वे भी चाह रही और आज तक उनको यह सौभाग्य मिला नहीं, वे तपस्या कर रही कि हमको भी ऐसे लीला में भाग लेने का अवसर पड़े। और भी वो तोता बोल रहा है कि बीरजम कौन कौन दुखिता द्रिक बरजम,
और कृष्ण का पराक्रम कितना, बल कितना है कि जो अद्रिवर्यम पर्वतों में जो श्रेष्ठ है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस पर्वत को वे गेंद के समान उठा लिए। जैसे कोई लड़के हैं और गेंद को उठाने में उनको कोई प्रयास नहीं है, उसको बहुत आसानी से उठा लेते हैं, हाथ में धारण कर लेते हैं। तो भगवान का, कृष्ण का पराक्रम तो ऐसा है कि अद्रिवर्यम जो पर्वत में श्रेष्ठ है उसको भी एक गेंद के समान पकड़ लिए। आप कथा जानते हैं कि भगवान जब इंद्र का पूजा रुकवा दिए, ब्रजवास से प्रत्येक साल इंद्र की पूजा करते थे, भगवान ने अपने पिताजी से कहे, नंद बाबा से कहे, किसकी पूजा हो रही है, हम लोग इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, भाई इंद्र से क्या लाभ है। तो भगवान कहे कि भाई इंद्र वर्षा का देवता है, वो पानी देता है, वर्षा करता है, तो हम लोग गायों का पालन पोषण होता है। अब भगवान कहने लगे कि भाई लाभ को देख करके पूजा कर रहे हैं, तो हमारे दृष्टि में तो प्रकट लाभ गोवर्धन जी से मिल रहा है, तो गायें वहाँ घास चरती है और वहाँ झरनों में पानी पीती हैं, वहाँ वृक्षों के नीचे बैठती हैं, तो हम तो कहेंगे कि अब गिरिराज जी की पूजा की जाए, इनसे हमको प्रकट लाभ दिख रहा है। और नंद बाबा कह सकते थे, कहे भाई बजट भी देखना होगा ना, अब उसकी तो तैयारी हो गई, अब नया पूजा करें, अब बजट का देखना होगा, तैयारी करेंगे, कर सकते हैं। कहते ना ना, अलग से बजट की बात नहीं, जो सामग्री जुटाए हैं उसी से पूजा की। अब भगवान का इतना मोहक वचन था, या नंद बाबा के हृदय में कृष्ण के प्रति इतना स्नेह है कि अब कृष्ण के बाप के आगे वो देवी देवता सबको और तैयार हो गए और गोवर्धन की पूजा की गई। लेकिन यूं ही इंद्र को पता चला कि हमारी पूजा रोक करके पर्वत की पूजा किए हैं, तो बहुत कुपित हो गए, बहुत कुपित हुए और वे ब्रजवासियों को गाली देने लगे। कृष्ण मर्त मुपाश्रित चक्र देव हेलना, अरे कृष्ण का आश्रय लेकर के वो जो एक मनुष्य है, तो एक मनुष्य के बच्चे का आश्रय लेकर के और देवता का अवहेलना कर दिए, उनको ब्रजवासियों का धन का घमंड हो गया और उनके घमंड को मैं चूर कर दूंगा। अरे थोड़ा सा धन उनको हो गया और उसका इतना घमंड हो गया कि मनुष्य की बात सुन करके और देवता की अवहेलना कर दिए, मैं दिखाऊंगा उनके मद को मैं चूर करता। और जो मेघ प्रलय करने के लिए रिजर्व रखे गए, मेघ है तो अनेक प्रकार के हैं, तो मेघों का एक गण है जिसको सांवर्तक मेघ कहते हैं, उनका उपयोग तो केवल प्रलय काल में किया जाता है, लेकिन अब सब मेघों पर कंट्रोल तो इंद्र का है, तो जिन मेघों का उपयोग प्रलय काल में किया जाता है तो उन मेघों को वे आर्डर दे दिए कि जाओ ब्रज को ध्वस्त कर दो, इतना वर्षा करो कि ब्रज पूरा डूब जाए, पूरा बह जाए और जल की चिंता मत करना, हम भी ऐरावत के साथ आ रहे हैं, पानी का सप्लाई करते रहे, तुम लोग इतना पानी गिराओ कि ब्रज एकदम दह जाए, बह जाए। वर्षा होने लगी
हवा चलने लगी, अब तो पशु बिल्कुल कांपने लगे जाड़ा के मारे। अब पशुओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी, इतना ओले पड़ रहे थे कि पशु किसी तरह अपने सिर को बचा रहे थे, पशु भी अपने सिर की रक्षा कर रहे थे, अपने बच्चे की रक्षा कर रहे थे। आप उनके स्थिति को देख करके भगवान खेल खेल में नींद लगा और बाएं हाथ से पर्वत को उखाड़े और ऊपर टांग लिए, एकदम जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो गोबर छत्ता होता है बरसात में, छोटा छोटा छत्ता जैसा पौधा जीता है, उसको उखाड़ करके टांग ले, वैसे टांग दिए और सबको कहे कि इसके नीचे आ जाओ, भय मत करो। अरे पहाड़ के नीचे जाने में तो भय भी था ना, ओले से तो रक्षा हो जाएगी, अपने पहाड़ ही नीचे आ गया था। भगवान है कि ना ना भय मत कर। तो जो चैतन्य महाप्रभु के हाथ पर तोता बैठा है, तो कृष्ण के गुण का वर्णन कर रहा है, तो कह रहा है कि बिरजम कंदुकिताद बरजम। कृष्ण का ऐसा पराक्रम है, ऐसा बल है कि पर्वत को वे एकदम गेंदा बना दिए, आसानी से उसको उठा लिए। और आगे कह रहे हैं कि अमला पारे परार्धम गुण है। अब कृष्ण के कितने गुण है इसकी गिनती नहीं की जा सकती, वो परार्ध के भी परे है। अब इस समय क्या सिस्टम है हमको पता नहीं है, हम लोग स्कूल में थे तो कुछ संख्या का यूनिट रटाया जाता था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, खरब, दस खरब, संख, महासंख। तो हम लोग तो इतना तक ही थे, लेकिन संस्कृत में और भी आगे यूनिट जाता है और लास्ट है परार्थ। जब संस्कृत की गणना है, वैदिक गणना है, तो इसमें ये यूनिट और आगे तक जाता है, तो लास्ट यूनिट है परार्थ। लेकिन भगवान के गुण के विषय में कह रहे हैं कि पारे परार्थ गुण है, भगवान के जो गुण है तो परार्थ के संख्या को भी पार कर गए। भगवान के गुण के विषय में ब्रह्मा जी के एक उक्ति है, आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी बछड़ा चुराए और भगवान की लीला को देख लिए तो वे अपनी भूल को स्वीकार किए। अब भगवान उनके सारे बुद्धि को नष्ट कर दिए, वो खुद को अपना बुद्धि लगाए थे, ये पहले बछड़ों को चुराए, फिर ग्वालों को भी चुरा दिए। और अब ब्रह्मा जी देखे कि तो हमारे बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं हुआ, वैसे ही बछड़े ब्रज में विचरण कर रहे हैं, वैसे ही ग्वाल विचरण कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बड़ा लज्जा महसूस किए और कृष्ण के समक्ष आ करके उनकी स्तुति करने लगे, उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे। वे कहने लगे कि हम तो आपके बच्चे के समान हैं। तो कृष्ण की वे स्तुति कर रहे हैं तो उसके उसमें कह रहे हैं कि आपका दो स्वरूप है, कृष्ण से कह रहे हैं कि आपका दो स्वरूप है, एक को निर्गुण कहते हैं और एक को सगुण कहते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो आपका निर्गुण स्वरूप है तो उसका ज्ञान तो संभव है। वे कैसे संभव है तो कह रहे हैं कि तथापि भूमन महिमा गुणस्य ते विबोध उमरहत अमलांतरात्म भी। कैसे जो आपका निर्गुण संबंध निर्गुण स्वरूप है तो
उसके महिमा को व्यक्ति जान सकता है। वे कैसे जान जाएगा, कौन जान जाएगा? तो कह रहे हैं कि अमलांतरात्मा, जिनके अंतरात्मा अमल बिल्कुल शुद्ध है, अब उसमें कोई राग द्वेष नहीं है, कोई वासना नहीं है, बिल्कुल अमल है, निर्मल है, और अभिक्रिया स्वानुभव अनुभूत। अब जब अंतरात्मा बिल्कुल अमल हो गया, तब उसमें कोई विक्रिया नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई क्षोभ नहीं होता। और हमारे मन में तो लगातार क्षोभ चलता रहता है, किसी रूप को देखते उससे क्षुभित हो जाते हैं, किसी शब्द को सुनते उससे क्षुभित हो जाते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या? चित्त में राग द्वेष है। लेकिन जो अमलांतरात्मा है, जिसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है, तब उसमें अभिक्रिया, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई क्षोभ नहीं होता है। अब यह स्थिति प्राप्त हो गया तो स्वानुभव, अब तो वहां किसी दूसरे विषय का पहुंच ही नहीं है, तो चित्त में वो चित्त ही ब्रह्माकार हो जाता है, ब्रह्माकार हो गया तो ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। देखिए, ये जो किसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसका सिस्टम क्या है, कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है? अब बहुत ही सूक्ष्म दार्शनिक तथ्य है, कुछ लोग इसको हो सकता है कि नहीं कैच कर पाएंगे, लेकिन सिद्धांत दिया गया है कि जैसे घड़ा का ज्ञान है, तो बुद्धि और तत्स्थित चिदाभास द्वयेते व्यापनुते घटः, बुद्धि और बुद्धि में स्थित है जो चित्तकण है, चिदाभास है, दोनों घड़ा को व्याप्त करते हैं। अब हमारी बुद्धि घटाकार हो गए, तो अब बुद्धि से केवल हमारा अज्ञान समाप्त होता है, जो घड़े के ज्ञान का अभाव है तो ध्वस्त हो जाता है, और चिदाभास से तो स्फुरित घट, अब घट के कंसेप्ट बन जाता है, उसकी धारणा बन जाती है, उसकी स्फुरणा हो जाती है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारा चित्त तदाकार होता है। जब किसी घड़ा का ज्ञान करना है, तो हमारा चित्त पहले घटाकार हो जाता है, और तब घड़ा का पिक्चर हमारे चित्त में आता है। लेकिन अब जहां ब्रह्म का ज्ञान करना है, तो वहां तो बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, अब वो चित्तघन है तो स्वतः ही स्फुरित हो जाता है। एक उदाहरण से इस बात को समझिए कि जैसे आपको कोई वस्तु को देखना है, कोई वस्तु देखना है, तो आपको प्रकाश की जरूरत पड़ती है। कोई वस्तु है तो बिना प्रकाश का नहीं देख सकते, देखते टॉर्च लेकर के लोग चलते हैं। लेकिन अब सूर्य को देखने के लिए तो किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है, तो उसी प्रकार इस संसार के वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो दो चीज की आवश्यकता होती है, एक तो बुद्धि की और चिदाभास की। लेकिन जो चिदघन है, तो उसका तो स्वतः ही ज्ञान हो जाता है, वो तदाकार होकर के चित्त और उसका ज्ञान कर लेता है। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि आपका जो निर्गुण स्वरूप है, तो उसका ज्ञान तो संभव है, अब चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाए तो स्वतः ही अब ब्रह्म की स्फुरणा हो जाए। अरे चित्त में तो परमात्मा है ही है, वो तो कुछ आवरण उनका ज्ञान नहीं होने दे रहा है, तो जो अहम और मम रूढ़ है तो वह ज्ञान नहीं होने देता। जैसे सूर्य तो आकाश में है, लेकिन बीच में बादल आ जाता है, तो हम सूर्य को नहीं देख पाते। अब बादल हट जाए
तो सूर्य को देखने में कोई कठिनाई नहीं है। तो उसी तरह कह रहे हैं कि चित्त यदि शुद्ध हो जाए तो तदाकार हो जाता है, ब्रह्माकार हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है और ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। लेकिन जो आपका सगुण स्वरूप है, गुणात्मनस्ते पि गुणान् विमातुम हितावतीर्णस्य क ईश्वरस्य, कह रहे हैं हितावतीर्णस्य, जो आप जगत के कल्याण के लिए अवतार ग्रहण किए हैं तो आपके गुण के ज्ञान की बात तो दूर है। कौन ऐसा व्यक्ति है कि उस गुणों की गणना कर सके? किस व्यक्ति में कह रहे हैं कि काले नजरवा बिमता सुकल पड़ी भूपांसव खे मिहिका दुभाषव, कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति में कौन है जो आपके गुणों की केवल गिनती कर दे? कैसे व्यक्ति है? और कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भूपांसव पृथ्वी पर कितने धूली कण है इसकी गिनती कर चुका है, और भी पृथ्वी पर कितनी धूली कण है ये कैसे गिन देगा? कहेंगे काले ना, और सुकल पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट चलाया, कोई व्यवस्था बनाया और बहुत समय दिया और पृथ्वी के धूली कण को गिन लिया, और खे मिहिका दुभाष, और आकाश में कितने ओस कण है भी, अभी आप खेत में जाएंगे तो ओस कण मिलेगा। एक मार्च का महीना चल रहा है फिर भी सुबह में ओस कण दिखते हैं, और ये प्रारंभ हो जाता है सितंबर से ही, वो ओस कण है तो आकाश से आ रहे हैं, और जिधर जाइए जाड़ा में तो सब जगह ओस कण है, तो आकाश में भी स्टॉक है ना, तभी आ रहा है ना। यहाँ जो ओस कण गिरे हुए हैं घातों पर उसकी बात नहीं कह रहे हैं, खे मिहिका जो आकाश में ओस कण है उसको गिनती कर दिया, और दुर्भाष जितने नक्षत्र हैं तो उनसे कितने किरण निकल रहे हैं, तो सारे नक्षत्रों के किरण की जो गिनती कर दिया और सारे ओस कण की गिनती कर लिया, सारे धूली पृथ्वी के धूली कण का गिनती कर लिया, अभी कैसे संभव है? काले ना बहुत समय लगाकर और सुकल पे बहुत व्यवस्था बना कर दिया, किसी की बहुत पटु इंद्रिय है, तो ऐसे व्यक्ति जो इसकी गिनती कर चुके, ऐसे व्यक्ति में कौन है जो भगवान के गुण की गिनती कर सके? तो गुण की गिनती ही नहीं कर पाएगा, अब उसका विश्लेषण और विवरण प्रस्तुत करना तो बहुत कठिन है। तो कह रहे हैं तो तुमका कह रहा है चैतन्य महाप्रभु के हाथ पर बैठ करके कि परे परार्धम गुणा जस्य अमला परे परार्धे गुणा, जिनके गुण है परार्ध को भी पार कर जाते, जिनके गुण है अनंत है, और शीलम सर्वजनान रंजनम कहो, और कह रहे हैं कि भगवान का ऐसा स्वभाव है कि वो सब लोगों को आनंद देने वाला, भगवान का बहुत सुंदर स्वभाव। उनके स्वभाव के विषय में लिखा गया है कि धृत्य से फस्त गुरु नपी ना करा था, उनका ऐसा स्वभाव है कि अपने भक्त के भारी से भारी अपराध पर ध्यान ही नहीं देते, उसको देखते ही नहीं, अब दंड देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। भृत्यस्य पश्यते गुरुन अपि नापराधः, गुरुन भारी अपराध किया और उसको न पश्यते देखते ही नहीं, और सेवा मनागपि कृतं बहुधा विपरीतम, और कोई थोड़ी सी सेवा कर दिया तो उसको बहुत मानते हैं, उसको बढ़ा करके स्वीकार करते हैं, और सीधे न निर्बल मत खुद को समझा, यानी उनका इतना सुंदर स्वभाव है, उनका मन बिल्कुल निर्मल है, कोई उनसे उद्विग्न नहीं होता है। तो यहाँ तुम तक कह रहा है कि
शीलम सर्वजनानुरंजन। भगवान का स्वभाव ऐसा है कि सब लोग उसे प्रसन्न होते हैं, सबका अनुरंजन होता है, सबका मनोरंजन होता है, ऐसा उनका शील है। और एक है, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि विश्वम विश्वजनीन कीर्ति, भगवान की कीर्ति सारे संसार को पवित्र करने वाली, सबका हित करने वाली। इस संसार में पवित्र करने वाले बहुत एजेंसी है, लेकिन सबसे बड़ा स्थान, सबसे ऊपर स्थान भगवान के जस का है। एक बार की घटना है, कुरुक्षेत्र में मेला लगा, सूर्य ग्रहण का अवसर था, तो भारत के सब हिस्सा से लोग पुण्य अर्जन के लिए कुरुक्षेत्र में जुटे। अब सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लग रहा था, और सूर्य ग्रहण की गणना तो ज्योतिष लोग पहले ही करके बता देते हैं, वो गणना पहले कर लेते हैं, घोषित कर देते हैं, तो सब लोग वहां जुटे थे। और यादव लोग भी अपने राजकीय ठाक से रथ के साथ, पालकी के साथ वे कुरुक्षेत्र की यात्रा की। और ब्रजवासी भी सुने हैं कि अब कृष्ण बलराम आ रहे हैं, तो वे लोग भी कुरुक्षेत्र की यात्रा की। और कुरुक्षेत्र में गए यादव लोग, स्नान किए, उस रात्रि को उपवास किए। तीर्थ का विधान है कि जिस दिन तीर्थ में जाते हैं तो उस दिन उपवास करना चाहिए। अब ग्रहण का समय है, तो वे लोग स्नान किए, ब्राह्मणों को दान दिए, उनको भोजन दिए, और उनके यही कामना थी कि कृष्ण भक्ति रस न हो। जो भी कृत्य कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, दान दे रहे थे, तो उसका लक्ष्य था कि कृष्ण की भक्ति बढ़े। इसके बाद वे यहाँ तहाँ विश्राम करने लगे। अब बहुत सारी मेला था, तो वहां तो घर की व्यवस्था नहीं थी, गेस्ट हाउस नहीं उतना था, बस वृक्ष के नीचे वे लोग सब अपना अपना कैंप रखे थे। तो जिधर जादवों का कैंप था, अब सब लोग उधर ही जाने लगे कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए। अब सब पूरे मेले का सेंट्रल पॉइंट जादवों का कैंप हो गया, सब उधर जा रहे थे। और यादव भी राजा है, जो भी आ रहा है तो उसका सम्मान कर रहे हैं। अब वे सम्मान पा रहे हैं, तो जितने वहां राजा उपस्थित थे तो यादवों की प्रशंसा करने लगे। वे यादवों के विषय में कहने लगे कि अहो भोजपते जुयम जन्म भाज नृणाम्य। अब उग्रसेन जी को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे भोजपते जूयम जन्म भाज निर्णामी हो। इस संसार में है तो बहुत लोग मनुष्य शरीर पाए हैं, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करना तो यादवों का धन्य हुआ, वे कृतार्थ हैं। बच्चे ऐसा कह रहे हैं तो कह रहे हैं यत पश्यता सकृत कृष्णम दुर्दर्शन अपित जोगिना, क्योंकि यादवों को ऐसा सौभाग्य मिला है कि यत पश्यत सकृत कृष्ण असकृत, कि कृष्ण का निरंतर दर्शन होता है। अरे कृष्ण के दर्शन को ही विशेष बात है, इनका दुर्दर्शन अपित जोगिना। और जो बड़े बड़े जोगी हैं तो उनके लिए भी कृष्ण का दर्शन कठिन है, बहुत कठिनाई से दर्शन प्राप्त होता है। और उस कृष्ण का आप लोग निरंतर दर्शन करते हैं, तो वास्तव में जन्म लेना तो आप लोगों का सफल हुआ। और उसी क्रम में कह रहे हैं कि यद विश्रुति श्रुतिनिषेध मलम गुनाति वाचस् पादावनेजन पयश्च वचस्त शास्त्र। कह रहे हैं कि कृष्ण का ऐसा व्यक्तित्व है कि इनके जस सारे संसार को पवित्र करता है।
और कृष्ण का जो चरण धोवन है, गंगा जी सबको पवित्र करते हैं, और कृष्ण का जो वचन है तो वह सबको पवित्र करता है। और गीता के पाठ करने से, भगवान के वचन को सुनने से हम पवित्र होते हैं, और गंगा जी का सेवन करने से हम पवित्र होते हैं। लेकिन उससे भी अधिक पवित्र होते हैं भगवान के जस का श्रवण करने। यद विश्रुति श्रुति नुता, और जस के विषय में कह रहे हैं, कीर्ति के विषय में कह रहे हैं कि वेद इसका सम्मान करते हैं, वेद इसकी प्रशंसा करते हैं, वेद इसका महत्व देते हैं। तो यद विश्रुति श्रुति नुता इद अलम चुनाती, पवित्र करने वाले दूसरे भी साधन हैं, लेकिन भगवान की जो विश्रुति है, कीर्ति है, तो सबसे अधिक पवित्र करने वाले। ऐसा श्रीमद् भागवतम लिखा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के जस का श्रवण करता है तो भगवान ही उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, और ना तिकाले ना विसते, बहुत देर नहीं लगता, और हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। अब धुनते सबलम कृष्णम सलिलस्य यथाशरत, भगवान के जस श्रवण का प्रभाव होता है कि सारा संसार वैसे शुद्ध हो सकता है जैसे शरद काल आने से जल शुद्ध हो जाता है। शरद काल का आगमन हो गया तो चाहे वो नदी का जल हो, सरोवर का जल हो, या कुएं का जल, सब शुद्ध हो जाता है, स्वाभाविक शुद्ध हो जाता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण के जस का श्रवण करता है तो उसका प्रभाव होता है कि कृष्ण उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, और उसके चित्त को वायु से शुद्ध कर देते हैं। जैसे शरद ऋतु वर्षा कालिक जल को शुद्ध कर देता है। देखिए, आप योग करेंगे, तप करेंगे, तो उससे भी शुद्धि का विधान होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है, लेकिन आत्यंतिक रूप से शुद्ध नहीं होता। जैसे वर्षा ऋतु में नदी का जल गंदा, सरोवर का जल गंदा, तो हम किसी दूसरे साधन से भी उस जल को शुद्ध कर सकते हैं। तो जल को घड़ा में लाए, घर में रख दिए, तो थोड़े देर के बाद मिट्टी स्थिर होकर के नीचे बैठ जाता है, पानी पीने लायक हो जाता है। लेकिन अब भाई घड़ा में कितने जल को रख करके शुद्ध करें, बहुत सीमित मात्रा में शुद्ध कर सकते हैं ना। अच्छा, एक बात तो यह है कि सीमित जल को शुद्ध करेंगे, और वह जो जल शुद्ध हुआ है तो उसका एक दोष भी है, थोड़ा सा हाथ डाल करके हिला दीजिए फिर गंदा हो जाएगा। तो उसी तरह योग का आचरण करने चित्त जल शुद्ध होता है, लेकिन गुण युग यथा, लेकिन ये वही विषय से संयोग होता है, किसी का अल्टो गाड़ी बाहर खड़ा है क्या, एंट नहीं शुभ है, हो जाता है, कृपया उसको हटा लीजिए। कि कोई गाड़ी अल्टो रास्ता बाधित है, आप देख लीजिए उसको। हम कह रहे थे कि जो शुद्धि के साधन है तो उसमें अंतर है। जैसे घड़े में पानी को रखी है तो पानी जरूर शुद्ध हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा हिलाने डुलाने से फिर गंदा हो जाएगा। तो उसी तरह योग से चित्त शुद्ध करते हैं, तो विषय का संयोग हुआ, चित्त शुभित हो जाता है। लेकिन शरद काल पानी को शुद्ध कर दिया तो अब तो बच्चे उसमें कूदते रहते हैं, छत से, वृक्ष से, लेकिन वो नदी का पानी गंदा होने वाला नहीं है। तो जो भगवान के जस का श्रवण करता है तो उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, और सदा सर्वदा के लिए शुद्ध हो जाता है। तो यह जो सुगा है, सुगा है, कीर्ति विश्वजनी,
जिनका जस सारे संसार को शुद्ध करने वाला। कुरुक्षेत्र में राजा लोग कह रहे हैं कि सुतमिता अलम पुनाति, पवित्र करने वाले और साधन है, लेकिन भगवान का जस सबसे प्रबल साधन है और सारे विश्व को शुद्ध करने की क्षमता रखता है। और आगे कह रहे हैं कि ऐसे हमारे प्रभु जगन मोहन सारे संसार को मोहित करने वाले हैं, तो अवतार वो सबकी रक्षा करें। तो ऐसे कृष्ण की महिमा का गान कर रहा है वो तोता, चैतन्य महाप्रभु के हाथ पर बैठा है और श्लोक बोल रहा है। अब दूसरे पक्षी भी श्लोक बोल रहे हैं तो हम लोग उसको आगे के दिनों में सुनेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।